दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ हिमालय कंपनी के हिमकोसिड SF सिरप के बारे में। यह सिरप काम आता है मेन एसिडिटी की समस्या में, पेट में जलन होना। तो वीडियो में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे किस तरह का यह सिरप हिमकोसिड SF रहता है, क्या इसमें मिलाए गए प्रमुख घटक द्रव्य होते हैं, इसके यूजेस, सही मात्रा और सावधानियों आदि के बारे में। तो अपनी वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं इस हिमकोसिड SF सिरप के साथ में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास में एक बोतल रखी है हिमालय कंपनी का हिमकोसिड SF सिरप। SF से मतलब होता है शुगर फ्री, अर्थात यह सिरप शुगर फ्री रहता है और डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी उपयोगी रहता है। ध्यान दीजिए, इन्हीं का एक दूसरा वेरिएंट भी आता है, वो प्लेन हिमकोसिड रहता है, तो उसके अंदर शुगर एडिड रहती है, तो वो सिरप नॉर्मल लोग ले सकते हैं। शुगर वाले जो लोग हैं वो हिमकोसिड SF का सेवन उनको करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस सिरप के फायदों के बारे में। तो इसके फायदे समझने के लिए हमें इस बात की जानकारी करना जरूरी है कि इसमें किस तरह के तत्व मिलाए गए हैं। तो इसके फॉर्मुलेशन की पूरी जानकारी इन्होंने इस बोतल के साइड में दी हुई है, जिसको देखने से हमें मालूम होता है कि इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वह है वराटिका। इन्होंने मिलाई है, वराटिका बोलते हैं जो कपरदक होती है, कोड़ी जो होती है, चोसर का गेम खेलने में यूज होने वाली कोड़ी। तो आयुर्वेद में उनको एक बहुत अच्छा पित्त शामक द्रव्य माना गया है और बहुत अच्छा कैल्शियम एजेंट भी वो रहती हैं। तो वराटिका इसके अंदर मिलाई गई है। उसके अलावा इसमें मुक्तिका शुक्ति मिलाई गई है। मुक्तिका शुक्ति अर्थात जो सीपी होती है, सीप आप जानते होंगे, तो सीपी का जो आउटर शेल रहता है वो भी एक तरह का कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसका यूज इसमें किया गया है। थर्ड चीज इसके अंदर मिलाई गई है, दुग्ध पाषाण लिखा हुआ है। दुग्ध पाषाण आपने अगर नाम सुना हो, संगज राहत इसको बोल देते हैं, या फिर नॉर्मल इसको टाल्क सॉफ्ट स्टोन बोल देते हैं, वो यूज इसमें किया गया है। एक तरह का पत्थर होता है जिसका उपयोग आयुर्वेद में दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है। तो ये तो रहते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट। उसके अलावा इसमें आंवला, गुड़ुची और पुनर्नवा के साथ में इनको प्रोसेस किया जाता है। इनका विशिष्ट एक अनुपात लेकर के तब ये मेडिसिन तैयार होती है, जो आपको एसिडिटी की समस्या में काफी अच्छा फायदा देती है। अब अगर बात करें हम इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में, तो यह जो सिरप है हिमालय कंपनी का हिमकोसिड SF, इसको मेन यूज करना चाहिए जिन लोगों को पेट में बहुत ज्यादा पित्त बन रहा है, बहुत ज्यादा खट्टी डकारें आ रही हैं। तो इसमें मिलाई गई जो वराटिका है और साथ में मुक्ता शुक्ति इसके अंदर मिलाई गई है, ये दोनों ही चीजें पेट के अंदर बनने वाले एक्स्ट्रा एसिड को एब्जॉर्ब करती हैं और न्यूट्रलाइज भी कर देती हैं, जिसके कारण बहुत ही प्रभावी तरीके से आपको राहत मिलती है पेट में जलन की समस्या से। उसके अलावा जिन लोगों को कुछ भी खाना खाने के बाद में या बहुत ज्यादा ऑयली स्पाइसी खाने के बाद में खट्टी डकारे इत्यादि आने की समस्या रहती है, तो उनके लिए भी यह हिमकोसिड SF एक काफी अच्छा ऑप्शन रहता है। जिन लोगों के पेट में हाइपर एसिडिटी की वजह से कुछ गैस्ट्रिक अल्सर्स बन गए हैं, तो उनके लिए भी यह एक अच्छी दवाई है। अल्सर्स को हील करने में भी फायदा करती है, चूंकि इसके अंदर विटामिन सी से युक्त आंवला मिलाया गया है, साथ में गुड़ुची मिलाई गई है, तो ये दोनों ही तत्व जो है अल्सर्स को हील करने में भी हेल्प करते हैं और एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और पेट का जो एक pH लेवल है उसको सही तरीके से मेंटेन रखते हैं, कि पाचन भी डिस्टर्ब ना हो और बहुत ज़्यादा एसिडिक भी आपके जो पेट के अंदर रिएक्शंस हैं वो जनरेट ना हो पाएं। तो फ्रेंड्स, ये तो रहे इसके कुछ फायदे। मुख्यतः बस ये है, पेट की जलन, गैस्ट्रिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी, खट्टी डकारे इत्यादि में यूज की जाती है। पित्त के कारण होने वाली नोजिया और वोमिटिंग की समस्या में भी इसको यूज किया जा सकता है। बात करें इसकी सेवन मात्रा और सेवन विधि के बारे में, तो यह मेडिसिन सामान्य तौर पर एक समय में 10 ml दवाई को पीना चाहिए। इसके ऊपर जो ढक्कन है लगभग 5 ml का रहता है, तो 2 ढक्कन दवाई और उसमें 2 या 4 ढक्कन ताजा अथवा गुनगुना पानी मिला करके आपको सेवन करना चाहिए। टेस्ट इसका काफी ठीक रहता है, पीने में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती है। सामान्य तौर पर इसको
आपको सेवन करना चाहिए क्या तो खाना खाने से 1 घंटा पहले अथवा खाना खाने के आधा पौना घंटे के बाद में, चूंकि है पेट के एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करती है और खाना खाने के साथ में इसको यदि सेवन किया जाएगा तो ये पाचन को थोड़ा सा सप्रेस कर सकती है। तो खाने से 1 घंटा पहले अथवा खाने के 1 घंटा बाद आप इसको सेवन करें। बाकी कभी इमरजेंसी वाली कंडीशन में हाइपर एसिडिटी क्रिएट हो रही है तो इसका सेवन एज पर नीड आप कर सकते हैं। बात करें इसके सेवन काल में कुछ सावधानियों के बारे में, तो इसके साथ में मेन सावधानी यह है कि चूंकि एक बहुत अच्छा एंटासिड आयुर्वेदिक सिरप होता है और इसकी यदि आप ओवरडोजिंग करते हैं तो यह पेट में नेचुरली जितने भी एसिड की जरूरत है उसको भी खत्म कर देगी, तो इसकी ओवरडोजिंग से आपको बचना चाहिए। और सेकेंडली इस बोतल को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपको रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा धूप में या फ्रिज में, फ्रीजर इत्यादि में इसको नहीं रखा जाना चाहिए। बात करें यदि इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो यह जो बोतल मेरे हाथ में है हिमकोसिड SF, ये 200 ml की पैकिंग में है और 200 ml की पैकिंग की इसकी जो कॉस्ट है 95 रुपीज़ लिखी गई है। और आपके आसपास किसी भी प्रमुख मेडिकल स्टोर से, आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान से आपको यह उपलब्ध हो जाती है। ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हिमकोसिड SF के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पर आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। मैं बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।